बाल विवाह की झूठी सूचना पर पहुंची 181 की टीम ने रुकवाया विवाह, बालिक निकलने पर परिजनों को सौंपी युवती। यह मामला रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के रोसर कोठी गांव का है, जहां की एक युवती का विवाह उसके परिजनों ने पड़ोसी जनपद हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव मझला निवासी युवक से तय कर दिया था। आज उसकी बारात आनी थी, घर पर सारी तैयारी चल रही थी, वहीं किसी ने जिला प्रशासन को बाल विवाह होने की सूचना दे दी। मौके पर पहुंची 181 व पुलिस टीम ने विवाह की रस्मों को रुकवा दिया और परिजनों से किशोरी की आयु संबंधित दस्तावेज मांग लिए। परिजन मौके पर कोई दस्तावेज टीम को उपलब्ध नहीं करा सके। टीम युवती को किशोर बोर्ड के सामने पेश किया। इस बीच किशोर बोर्ड पहुंचे परिजनों ने मार्कशीट बोर्ड के सामने पेश करते हुए युवती को बालिक बताया। बालिक निकलने पर युवती को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुनः उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। क्या कुछ कार्रवाई? एक शिकायत प्रार्थना पत्र हमारे जो जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं उनके पास में आया था, उन्होंने हमको आदेश किया है कि आप लोग बाल विवाह रुकवाइए जाते, तो हमारी टीम आज गई है। क्या उम्र बताई जा रही है बच्ची की? बच्ची की लगभग 17 साल बताई गई है प्रार्थना पत्र में, कि 17 साल की लगभग लड़की है। फिर किस तरीके से क्या कार्रवाई करेंगे लड़की के ऊपर और लड़की के माँ बाप के ऊपर? ऐसा है ना, अभी कोई भी वहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला लड़की की एज प्रूफ का, और माँ बाप अभी फ़ोन पर सूचना मिली कि साक्ष्य मिल गया है, तो अब हम रेस्क्यू क्यों भी करके लाए हैं, तो हमारे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेंगे। अब वही आदेश करेगी, अगर ये लोग साक्ष्य पेश करते हैं कि हाँ लड़की बालिग है, तो उनको लड़की सौंप देगी CWC, और अदरवाइज फिर बालिका गृह या जैसा भी आदेश CWC करेगी।